हेलो प्रिंस, आज मैं मिक्सचर बनाने जा रही हूँ। ये मिक्सचर बाज़ार से भी अच्छे हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मिक्सचर आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो तेल गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। अब इसमें मूँगफली को छान लेंगे। मूँगफली को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे तेल से निकाल लेंगे और तेल को पूरे तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद ही एक बर्तन में इसे डाल लेंगे। अब ये कॉर्न चिप्स है, इसे भी छान लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से ये अपने आप छना जाता है। इसे भी चम्मच से चलाएंगे। मैंने तो नहीं दिखाया चम्मच से चलाते हुए, लेकिन इसे भी चम्मच से या किसी चीज़ में चला लेंगे ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे भी उसी बर्तन में डाल देंगे। तेल को लेकिन पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे। अब सारे कॉर्न चिप्स को इसी तरह से छान लेंगे। कॉर्न चिप्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। अब किसी भी किराने की दुकान में आप लेंगे तो मिल जाएगा। अब काजू को भी अच्छी तरह से छान लेंगे। ये अच्छी तरह से छना गया है। अब इसे भी उसी बर्तन में डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे तेल पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। अब चूड़ा को भी छान लेंगे। चूड़ा भी अच्छी तरह से छना गया है। अब इसे भी उसी बर्तन में डाल देंगे। सारे फोआ या चूड़ा को एक ही बर्तन में सबको डालते जाएंगे। देखिए, अच्छी तरह से सब छना गया है। अब तो कुछ मखाना को भी इसी तरह से छान लेंगे। इसे भी चम्मच से चलाते हुए ऊपर नीचे कर देंगे ताकि अच्छी तरह से छना जाए। क्रिस्प होने तक इसे पकाएंगे। ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए, इसे भी उसी बर्तन में डाल देंगे। अब कड़ी पत्ता को भी छान लेंगे। कड़ी पत्ता डालने से ये मिक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, ये भी अच्छी तरह से पक गए हैं। इसे भी उसी कढ़ाई में डाल देंगे। अब ये बूंदी है, ये बूंदी को भी डाल देंगे। ये शेव है, इसे भी उसी में डाल देंगे। इसे मैंने कुछ मसाला ऐड किया है। इसमें मैंने सबसे पहले आमचूर डाला है। आमचूर मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अब इसमें कूटे हुए धनिया है। धनिया को पहले भून लिए थे, उसके बाद उसे कूट लिए थे। इसे 2 चम्मच डाला है। कूटे हुए धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मिक्सचर में। और इसे भुने हुए जीरे को भी मैंने कूट करके डाला है। इसको मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अब ये चिली फ्लेक्स है, मैंने चिली फ्लेक्स घर में ही बनाया था। इसे भी मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसमें 1 चम्मच है रेड चिली पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने पाउडर शुगर डाला है। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए ध्यान रखेंगे, ये आसान हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो चूड़ा है या फोआ है वो टूटे ना। इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश डालने से मिक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। काला नमक मैंने डाला है और इसमें सफ़ेद नमक डाला है। ये सेंधा नमक है, आप इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ये बाज़ार से भी अच्छे मिक्सचर बने हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। बाज़ार में तो पाम ऑयल से सब चीज़ छाना जाता है। ये तो घर के बने हुए मिक्सचर हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे मैं अब सर्व कर देती हूँ। इस मिक्सचर को आप 10 दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं और फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे ले करके जा सकते हैं। इसे आप बनाइए, खाइए। और कैसे बने हैं कमेंट करके बताइए।